हाय एवरीवन, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर के लिए आपने क्या करना है, तो मैंने इस बुक से आपको बताना है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की। तो आपका पेपर जो है वो 70 नंबर का पेपर आता है, और यूनिट 1 में आपके क्या है, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 1 में आपका थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट 2 में आपका आता है फोर्थ चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ठीक है। और यूनिट 3 है, उसमें आपका फिफ्थ चैप्टर आता है, और यूनिट 4 है, उसमें आपका सिक्स्थ और सेवन्थ चैप्टर आता है। अब पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूनिट 4 की एक आधी थ्योरम यूनिट 3 में पूछ ले। तो अब पेपर में क्या है कि आपको सेक्शन A आएगा कंपलसरी, ठीक है, 16 नंबर बनेंगे उससे। अब बुक से आपको कुछ भी आ सकता है, कोई भी कहीं से भी किस भी पार्ट से क्वेश्चन बना के दे देंगे आपको, कोई प्रूव करने के लिए दे देंगे, कुछ थ्योरम दे देंगे, डेफिनेशन पूछ लेंगे, कुछ भी। तो आपने यूनिट पे ज़्यादा फोकस देना है। जैसे यूनिट 1 है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 3 और 4 से आएंगे। आपको दोनों चैप्टर करने हैं, ऐसा नहीं करना कि कोई एक करना है, ठीक है। मिक्स आएंगे क्वेश्चन, और आपको करने भी पड़ेंगे यूनिट 1 के लिए। चैप्टर 3 और 4 अच्छी तरह से करने हैं यूनिट 1 के लिए। यूनिट 2 है, उसमें आपको फोर्थ चैप्टर से आता है और सेकंड चैप्टर से आता है। सेकंड चैप्टर से आपके लॉग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, रियल एंड इमेजिनरी वाले पार्ट आपने सेपरेट करने हैं, तो वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने सेकंड और फोर्थ चैप्टर करना है यूनिट 2 के लिए। तो मतलब आपकी 2 यूनिट इन 3 चैप्टर से हो जाती हैं एग्जाम के लिए। तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो तो करने हैं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा भी कर लेने हैं, जिससे आपके 2 यूनिट के मार्क्स पक्के हो जाएं और आप क्लियर पास होने के रास्ते पे चल पड़े। फिर उसके बाद यूनिट 3 है, उसमें आपका चैप्टर 5 है, ठीक है। इसमें आपको इंटीग्रेट करने के लिए आ जाएगा, इवेल्युएट करने के लिए आ जाएगा, या कर दो कर थ्योरम है इसमें, और भी थ्योरम है, वो कंपलसरी सेक्शन में भी आती हैं, और जो बड़ी थ्योरम है वो बड़े क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो ये इसमें आएगा, और कुछ डिफरेंट वैल्यू भी आपको दे जा सकती है। तो आपको जो है मेथड की समझ होनी चाहिए, और वहाँ पे ना आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपने करके आ जाना है मेथड लगा के। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने किया है वो गलत है, लेकिन वो क्या होता है, कई बार सही भी होता है। हम तो स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता, हमने अपनी तरफ से करके आ जाना है। टीचर देखेगा, अपने आप करेगा, जो होगा सही होगा चाहे गलत, लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मेथड लगा के करके आ जाना है। फिर उसके बाद यूनिट 4 है आपका, उसमें आपका सिक्स्थ और सेवन्थ चैप्टर आता है। तो आपने ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह से कर लेने हैं, इनकी थ्योरम्स भी और जो क्वेश्चन भी है। तो अब आपका जो पास होने का जरिया है वो ये चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 के और 2 यूनिट के लिए ये हो जाएंगे, और यूनिट 4 के लिए ये, और इसमें से चलो एक आधा क्वेश्चन हो जाए वो भी अच्छी बात है। और फर्स्ट चैप्टर से आपका कंपलसरी में भी आते हैं क्वेश्चन, और आपके यूनिट 1 में भी आ सकता है। तो इनको भी आपने पढ़ना है, लेकिन इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है जो मैंने टिक लगाए हैं, और इन इस चैप्टर की थ्योरम्स पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन थ्योरम्स वगैरह तो पक्की हैं भाई, यही आती हैं, तो उनको अच्छी तरह से कर लेना है आपने। और यहाँ से आपके मतलब 40 नंबर का पेपर अगर यहाँ से हो गया और यहाँ से कुछ हो गया, तो आप तो फिर क्लियर पास हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो करना है। तो मैंने चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, के स्टार लगाए हैं मैंने इस तरह से, ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं अच्छी तरह से। और ये पोलर फॉर्म वाली भी यहाँ तक करनी पड़ेगी आपको। देखो ये क्वेश्चन भी है, ये कंपलसरी में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है शो करने के लिए। तो जो ये थ्योरम्स होती है ना, इनके इन मैथ्स पे ना थोड़ा मतलब, ये अगर आपको याद रहेंगी ना, लाइनें तो थोड़ी क्रम बना देंगे, अगर इतना भी अगर आप लिख दोगे तो उसके भी नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर ये आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थ्योरम्स आपको करनी ही पड़ेंगी, इम्पॉर्टेंट हैं ये बहुत सारे, कुछ भी आपको दे देंगे थ्योरम्स।
करना पड़ेगा आपको इतना अच्छी तरह से। देखो ये भी कंपलसरी में आ जाती है छोटी सी, तो मैंने इस तरह से आपको लगा दी है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपने देख लेने और कर लेने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं ज़्यादातर पेपर में, और ये भी आपने देख लेने हैं, कुछ नहीं जाता ऐसे, देख लेना इनको भी करके, थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं अगर आपसे। पर आपने 3 यूनिट का तो अच्छी तरह से कर ही लेना है, इसमें से 2 यूनिट पक्की हो जाएंगी, इसमें से यूनिट 4 पक्की हो जाएगी, इसमें से कुछ थोड़ा सा हो जाएगा और इससे कंपलसरी सेक्शन के लिए आ जाएगा। फिर पूरी बुक से भी जो जो आपने पढ़ा उससे कंपलसरी सेक्शन में हो जाएगा और आप फिर पास हो गए। और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।